मित्रों ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग 7th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है खाना खजाना। वो चित्रपाठ है। चित्रपाठ मीन्स एक चित्र आपको दिख रहा है, ये एक चित्र है, ठीक है। कौन सा चित्र है? रसोई घर का चित्र है। इस चित्र के आधार पर हमको पूरा चैप्टर जो है वो समझना है। जैसे माँ रोटी बना रही है, बेटा थाली में खाना परोसा हुआ है वो खा रहा है, गैस पर कुकर चढ़ा हुआ है और पीछे दादी जो है वो कुछ पढ़ रही है। अब बताती हूँ मैं आपको ये क्या है। ये चित्र जो है वो रसोई का चित्र है। चित्र में माँ रसोई बना रही है, गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चूल्हे पर तवा रखा हुआ है, तवे में रोटियां सिकी जा रही हैं। माँ जो है वो रोटियां बेल भी रही है। पास में पानी का मटका भी है, दिख रहा है ना विद्यार्थी मित्रों। देखिए इस पूरे चित्र के आधार पर ही हमको पूरा जो है वो चैप्टर समझना है। मटका पड़ा है, कहाड़ी में आटा पड़ा है, ठीक है। थाल है, उसमें आटा भी पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी हैं। जो माँ है वो रोटियां सेक सेक के थाली में रखती जा रही है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। छोटा बच्चा जो है वो खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है। पीछे जो बैठी है वो दादी माँ है। दादी माँ कुछ पढ़ रही है, उसके हाथों में क्या है? किताब है। वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। टोकरी जो सामने जो दिख रहा है आपको चित्र, उधर सामने टोकरी में सब्जी पड़ी हुई है। दूसरे खाने में डिब्बे हैं, ठीक है। ऊपर जो है वो दूसरे खाने में क्या पड़ा है? डिब्बे पड़े हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले पड़े हुए हैं। पूरा चित्र जो है वो क्या है? छिक्का बना हुआ है। उसमें क्या रखा हुआ है? बरनियों में सारे मसाले रखे हुए हैं। तेल हैं, अचार हैं, दाल हैं और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, ग्लास, केतली आदि भी दिखाई दे रही हैं। थालिया वालिया भी सामने देखो दिख रहा है। उसके बाद रसोई घर में एक खिड़की है। जहाँ दादी माँ बैठी है उसके बिल्कुल ऊपर एक खिड़की दिख रही है। उसमें से बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बादल भी बना हुआ है, वो भी हमको दिखाई दे रहा है। देखा, इस चित्र को मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि इस चित्र में आपको क्या क्या देखना है। डिब्बा पड़ा है, तेल की बरनियाँ हैं, थालियाँ, कटोरे, चम्मच, गैस आदि सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। अब उसी के आधार पर हमको अभ्यास के कुछ प्रश्न जो हैं उसको लिखना है। हम अब अभ्यास को देखेंगे। इसमें डायरेक्ट अभ्यास आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये चित्रपाठ है। अब इस चित्र के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न को आपको समझकर फिर लिखना है। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही हैं? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियां, डिब्बा, चम्मच, दलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन पड़े हैं। पांचवा प्रश्न, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल पड़े हुए हैं। उसके बाद
छठा प्रश्न, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आपको बताया, आपको याद तो आ ही गया होगा, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। सातवां प्रश्न, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न है, वो आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में, अब हमें हमारी रसोई जो है उसकी कंपैरिजन यहाँ पर जो चित्र में दिया हुआ है उसके साथ करनी है। हमारी रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म होता है, पानी का नल होता है, छलनी और अक्वा गार्ड हैं जो इस रसोई घर में नहीं है। हमारे रसोई घर में फ्रिज हो सकता है, इस तरह से आप उसमें लिख सकते हो। नाइन्थ प्रश्न, लास्ट, माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। आया विद्यार्थी मित्रों समझ में आपको ये प्रश्न किस तरह से लिखना है? उसके बाद दूसरा प्रश्न, क्या पसंद है क्या नहीं ? योग्य खाने में राइट का निशान करें। ये यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, देखिए इसी प्रकार आपको टेबल बनाना है, नाम लिखना है, चीज का चित्र, फिर नाम लिखो, फिर मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे, करेला जो हमको खाना पड़ेगा पर हमको पसंद नहीं है, सेब सही मज़े से हम खाते हैं, आम भी मज़े से हम खाते हैं, जलेबियाँ भी मज़े से खाते हैं, आइसक्रीम तो खूब मज़े लेकर खाते हैं। ये चार जो चीज़ें हैं उसमें क्या आएगा? मज़े से खाएंगे, हम मज़े से खाते हैं, करेला जो है वो खाना पड़ेगा, यहाँ पर रोंग कर देना है आपको और ये चार में राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, तीसरा प्रश्न, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है? बेसन से पकौड़ा किस तरह से बनता है? तलकर, ठीक है। दूसरा, गेहूं से रोटी कैसे बनती है? सेक कर, हम गैस के ऊपर तवा रखते हैं, फिर तवे के ऊपर हम रोटियां सेकते हैं। तीसरा, दूध से चाय उबाल कर पी जाती है। आया समझ में? इस तरह से आपको लिखना है, बेसन से पकोड़े तलकर, गेहूं से रोटी सेक कर, दूध से चाय उबाल कर। चौथा प्रश्न, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? आपको पता है और कौन कौन खाना बना सकते हैं? चित्र में तो सिर्फ माँ ही दिखाई गई है कि माँ जो है वो खाना पका रही है या बना रही है, पर सिर्फ माँ ही क्यों खाना बनाती है? उसके उत्तर में हम लिखेंगे, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी भी खाना बना सकते हैं, भाई भी बना सकते हैं, भाभी भी बना सकती हैं, बहन भी खाना बना सकती हैं। इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, उत्तर जो है उसमें लिखिए आप किस तरह से खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, खाना पिताजी बना सकते हैं, भाई भाभी बना सकते हैं, हमारे घर में बड़ी बहन है तो वो भी खाना बना सकती है। इस प्रकार हमारे घर के बहुत सारे सदस्य हैं, वो खाना बना सकते हैं। उसके बाद चित्र कहानी दी हुई है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। देखिए ये जो चित्र चार दिए हुए हैं उस पर से आपको कहानी बनानी है। कहानी पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसका PDF भी आपको भेज दूँगी। इस कहानी में क्या दिख रहा है आपको? एक जहाँ पर नंबर दिया है, एक नंबर दिया है, ये कहानी आपको अच्छे से याद करनी है, मोस्ट IMP, ठीक है। ये कहानी जो है आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन
कर रही हूँ मैं, उसको समझेंगे और याद भी करेंगे। पहला जो है वो चित्र है, उसमें एक आदमी नीचे बैठा है और एक आदमी ने दूसरे आदमी का गिरेबान पकड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, एकता में बल है, ठीक है, ये दिखाना है हमें। क्या दो भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये एक गांव में रहते हैं, उनमें एक बूढ़ा किसान रहता है, जो नीचे बैठा हुआ है वो बूढ़ा किसान है, उसका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे, उसके दो बेटे थे जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना फर्स्ट चित्र में, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे, जब भी देखो तब ये दोनों क्या करते थे, आपस में झगड़ते ही रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित हुए, उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उनको समझ में कुछ ना आया। एक दिन रामू काका ने उनको कहा, बहुत सारी लकड़ियाँ ले आओ। अब उस बहुत सारी लकड़ियों में उसको एक उपाय सूझा, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गठर लाने के लिए कहा था, उसके बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी बुलाया, एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए भी उनको कहा। पहले दोनों को अलग अलग एक एक लकड़ी जो है वो तोड़ने के लिए दिया, दोनों ने अच्छे से उस लकड़ी को क्या किया, तोड़ा, दोनों बहुत खुश हो गए, रामू काका भी खुश हो गए, भाई ठीक है एक एक लकड़ी इन्होंने तोड़ दी। फिर जो बड़ा बेटा है उसने एक गठर लेकर आया था, उस गठर में से तीन चार लकड़ी एक को दिया, तीन चार लकड़ी दूसरे बेटे को दिया, अब बोला अब तुम दोनों तोड़ के दिखाओ। बारी बारी से दोनों ने मेहनत की, दोनों अच्छे से उस पर जोर लगाते गए पर उनसे वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बन जाओगे, जैसे ये लकड़ियाँ अकेली थी तो वो जल्दी से टूट गई, यानी वो कमज़ोर थी, अब एक साथ बहुत सारी आ गई तो वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। इसी तरह आपको भी लकड़ियों की तरह मजबूत रहना है, एक साथ रहना है। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे, रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा, रामू चाचा भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये थी इस चित्रपाट की कहानी, इस चित्रपाट के आधार पर अच्छे से मैं आपको कहानी का PDF भेज दूंगी, आपको उसी प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। उसके बाद हम स्वाध्याय देख लेते हैं, स्वाध्याय में क्या कहा है हमें। स्वाध्याय में पहला प्रश्न जो है, दोनों चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में 10 अंतर हैं, कितने अंतर हैं, 10 अंतर है, उन्हें ढूंढ कर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। ये देखिए चित्र जो है वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से देखकर सोचकर फिर लिखना है। हम देख लेते हैं इसमें, पहला चित्र और दूसरा चित्र अच्छे से देखें ध्यान से, उसमें आपको 10 बातें जो हैं वो लिखनी है, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, इसी तरह कलर भी आप भर सकते हो, ठीक है। पहले देखिए ये एक चित्र जो है वो किसका है, जोकर का है, जोकर के सिर के पास दो पीले गोले हैं, देखिए दो पीले गोले हैं ना, और दूसरे चित्र में जोकर के सिर के पास एक पीला गोला है, सिर के पास कितना है, एक ही पीला गोला है। दूसरी बात इसमें, जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है, दाहिनी ओर, देखिए दायां बायां, जोकर के सिर की बाईं ओर लाल गोला है, एक में दाईं ओर लाल है और एक में बाईं ओर। जोकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं, देखिए 4 लाल गोले हैं,
पहले चित्र में, दूसरे के पेट के ऊपर तीन लाल गोले हैं, एक के ऊपर तीन हैं और दूसरे के ऊपर चार हैं। पांचवी बात, चौथी बात, जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है जोकर के पेट के ऊपर और दूसरे के पेट के ऊपर नीला गोला है, एक में नहीं है, एक में है। देखिए, है ना, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। पांचवी बात, जोकर की पेंट के ऊपर दाहिनी और लाल पॉकेट हैं, दाहिनी और क्या है, लाल पॉकेट हैं। और जो दूसरे चित्र में जोकर की पेंट के ऊपर दोनों पॉकेट नीले रंग के हैं, है ना, दोनों पॉकेट नीले रंग के। उसके बाद छठी बात, दोनों जूते नीले रंग के हैं, एक के दोनों जूते नीले रंग के हैं, दूसरे के जूते लाल रंग के हैं। सातवीं बात, जूतों के तलवे सफ़ेद रंग के हैं, पहले का, और जूतों के तलवे लाल रंग के हैं। ये एक का सफ़ेद है तलवा और दूसरे का लाल ही है। पहिया लाल रंग का है, पहले चित्र में पहिया क्या है, लाल रंग का है, और दूसरे में पहिया नीले रंग का है। उसके बाद नौवीं बार, टोपी लाल रंग की है, पहले की टोपी जो है वो लाल रंग की है, दूसरे की टोपी नीले रंग की है। और दसवीं बात, टोपी में काला गोला दिखाई दे रहा है, देखो काला गोला जो है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरे फोटो में जोकर के टोपी में सफ़ेद गोला दिख रहा है, देखो ये गोला जो है वो क्या है, सफ़ेद है, ये काला नहीं है। इस प्रकार आपको 10 बातें जो हैं वो लिखनी है अंतर बताते हुए। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है, पढ़िए समझिए और लिखिए। लड़का, उदाहरण दिया हुआ है, लड़का, लड़के, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं, एक वचन और बहुवचन का ये क्वेश्चन है। पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तकें, तुम्हारे पास चार पुस्तकें हैं। यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर पुस्तकें, मतलब एक से ज़्यादा। कमरा, वह एक कमरा खाली है। कमरे, वे तीन कमरे खाली हैं। पंखा, एक पंखा चल रहा है। पंखे, तीन पंखे चल रहे हैं। इस प्रकार आगे देखें। अभी हमारा नेक्स्ट पेज, योग्य विस्तार, इतना जानिए। फल के नाम हिंदी और गुजराती में हमें दिए हुए हैं, मैंने आपको इंग्लिश में लिख कर दिए हैं। आपको ये जो है योग्यता कसौटी याद करनी है, योग्यता विस्तार है। इसमें क्या है, फल के नाम है, सारे फल जो हैं वो सारे फल आ गए। उसके बाद अनाज के नाम हैं, ये सारे अनाज के नाम हैं। उसके बाद तीसरा है सब्जियों के नाम, ये सब्जियों के नाम हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इतना कार्य आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको कहानी का PDF बनाकर भेज दूंगी, ये आप अच्छे से लिख लेना। योग्यता विस्तार, इतना जानिए, आपको ये जानना भी है और रीड भी करना है। आप इसी तरह अपनी टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को लिखेंगे। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।